फटते हैं बम दमा दम, यहाँ पर चलती है गोली भी, रोजाना लूट जाती है यहाँ माँ बहनों की रोली भी, घर में बढ़कर मार रहे गुंडे बदमाशों की टोली भी, और फिर कहते हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे से बढ़िया कोई सरकार नहीं है। आयुष्मान कार्ड जिसकी जरूरत थी उसके काट दिए गए हैं, और बुढ़ापा पेंशन काट दी गई है, महंगाई चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा, और क्या चाहिए मतलब आज बावजूद गरीब को अमीर बना दिया, अमीर को गरीब बना दिया, चारों तरफ हाहाकार है, यही खट्टर की सरकार है। सरकार से पूछो वो चाहती क्या है, सरकार तो दोनों हाथों से जनता को हरियाणा को लूटने में लगी है। आज हरियाणा पर जो कर्ज है लगभग पिछले 8 वर्षों में 8 गुना बढ़ गया। नमस्कार, मैं जनता की आवाज, और हम आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पार्षद आज सड़कों पर आ चुके हैं। कहीं ना कहीं आज देखा जा रहा है कि जो गरीब लोग हैं उनके जो राशन कार्ड है वो काट दिए गए हैं, जिसके चलते आज जो है आम आदमी पार्टी के पार्षद यहाँ पर पहुँचे हैं, और वो इसलिए पहुँचे क्योंकि यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, क्योंकि जो गरीब परिवार के जो लोग हैं बीपीएल कार्ड उनके काटे जा रहे हैं, और पेंशन को लेकर भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएम सिटी करनाल, जहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लघु सचिवालय के बाहर आम आदमी पार्टी यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रही है, किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी नजर आ रहे हैं, किस तरह से जो है सचिवालय की तरफ ये बढ़ते जा रहे हैं, और चारों तरफ हाहाकार है, यही खट्टर की सरकार है, चारों तरफ हाहाकार है, चारों तरफ हाहाकार है, यही खट्टर की सरकार है, चारों तरफ हाहाकार है। देखिए आज का ये जो कार्यक्रम है, परिवार पहचान पत्र में जो भयंकर गलतियां सरकार ने की है, 2 साल के बच्चे की 2 लाख आए और 8 साल के बच्चे की 8 लाख आए, 80 साल के बूढ़े की 10 लाख आए, और परिवार पहचान पत्र के आधार पर लोगों की पेंशन काट दी गई है। 20 लाख पूरे हरियाणा में लगभग पेंशन कटी है, करनाल में लगभग 1 लाख कटी हैं। उसी मुद्दे को लेकर हमारे लोकल इकाई जिला करनाल की ने, बलविंदर जी और साथियों ने मिलकर ये प्रदर्शन रखा है, और ये चेतावनी दी है कि जब तक हमारा संघर्ष पूरा नहीं होगा, गलतियां ठीक नहीं होंगी, सबको एक जगह एकत्रित नहीं किया जाएगा, गलती को ठीक करके सरकार अपना सुधार करे और उसके तुरंत बदायूं बनना हम सड़कों पर आ जाएंगे। बलविंदर जी क्या कहना चाहेंगे, आज जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सीएम सिटी में, क्या ऐसे है जी, सरकार को जनता ने बहुत दिन झेला और उनका इंतजार किया, सरकार के पास जा के ये थक चुके हैं, और जो विपक्ष था वो डरा हुआ था, पहले वाला विपक्ष है वो ईडी और सीबीआई के डर पे, उनके मुखिया डरे बैठे थे इसलिए विरोध प्रदर्शन करते नहीं थे। अब जनता जाए तो जाए कहाँ, जनता के पास या पक्ष है या विपक्ष है, अगर पक्ष नहीं सुनता तो विपक्ष को खड़ा होने पड़ेगा, और ये पक्ष अब खड़ा हो गया है, ये पीछे हटने वाला नहीं है, जनता को तड़फा दिया। बुजुर्गों को कहते हैं जन्म प्रमाण पत्र लाओ, जब वो स्कूल में नहीं दिया तो जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाया, उसके बावजूद कहते हैं जी आपकी इनकम इतनी है, जब ये बुढ़ापा पेंशन चालू हुई थी उस टाइम इनकम का कोई जिक्र नहीं था, बुढ़ापा पेंशन इसलिए हुई थी कि किसी बेटी को किसी बुजुर्ग ने स्वाभिमान के साथ 100 रुपया देना है तो अपनी जेब से निकाल के दे, लेकिन इन्होंने उसको इनकम से जोड़ के दे दिया, पहले यह तय करते, उसके बावजूद गरीब को अमीर बना दिया, अमीर को गरीब बना दिया, इन्होंने इतने अत्याचार किए, हमें लूट तो लिया, कंपनियों से लुटवा तो दिया, वो हम सह गए, क्योंकि आज कर्जा 50,000 करोड़ से 3.5 लाख करोड़ बिना कोई प्रोजेक्ट आए हमें विरासत में मिल चुका है, लेकिन इन्होंने वो तो हमारा खाया ही खाया, लेकिन जनता जो 30 दिन मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते थे उनका ये 25 दिन दफ्तरों के चक्कर लगवाते हैं। खट्टर साहब, आप सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज करते हो तो आपके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज होना चाहिए? पारदर्शिता आएगी, बहुत सारे लोगों ने फर्जी राशन कार्ड बनवाए हुए हैं, 9 लाख राशन कार्ड काट चुके हो आप। एक बात है खट्टर साहब, जनता अब आपसे अपील क्या करती है, पहले लोग अपने हकों की लड़ाई के लिए नौकरियों के लिए आपके पास चक्कर काटते थे, अब अपनी नौकरियां बचाने के लिए आपके पास चक्कर काट रही हैं, पहले राशन कार्ड बनवाने के लिए आपके पास चक्कर काटते थे, आज राशन कार्ड बनवाने के लिए नहीं अपना राशन कार्ड बचाने के लिए चक्कर काटते हैं, हर बंदा अपने आप को बचाने के लिए आपके पास चक्कर काट रहा है, यही नियत और नीति है आपकी, ये नियत और नीति रही
तो आज सरपंच सड़कों पे है, अधिकारी सड़कों पे है, जनता सड़कों पे है, कौन सी चीज बची है सिर्फ आरएसएस को छोड़ के, कौन से इंसान है जो सड़कों पे नहीं है। खट्टर साहब आपको जनता का हिसाब देना पड़ेगा, खट्टर साहब आप कान पकड़ो, एक टांग उठाओ, आप जनता से माफी मांगो, क्योंकि आपने जनता को कंपनियों के हाथों लिटवाया है, अधिकारियों के हाथों लिटवाया है, बड़े बड़े चार पांच अधिकारी आपकी नीतियां बनाते हैं, हम सड़कों पे हैं, और जब तक आप जनता से अत्याचार बंद नहीं करोगे तब तक हमारे पूरे साथी सड़कों पे रहेंगे। संघर्ष आसिया जी, वो चीज कोई सी ऐसी चीज बता दो जिसमें घोटाला नहीं हुआ है, बस कोई चीज ऐसी नहीं है जो घोटाले से बची हुई है। ये सड़कें खोद रहे हैं, बना रहे हैं, खोद रहे हैं, बना रहे हैं, कर्जा बढ़ा रहे हैं, अब इनके पास पैसा नहीं बचा तो जनता को लूट रहे हैं। चलो यहाँ त्योहार मनाने के लिए मंत्री होते हैं क्या सीएम साहब? सिर्फ यहाँ पे त्योहार मनाने आते हैं क्या उनको? इसके अलावा हमारे करनाल में ही, हरियाणा के बाद छोड़ो, करनाल में ही इनको किसी का दुख दर्द नहीं दिखता, बस आए लोहड़ी मनाई और चल दिए, और किसी को बुरा भला कहा और चल दिए। यहाँ लोग एक एक जनता का एक एक पर्सन जो है वो तड़प रहा है, उसको कोई सुविधा नहीं मिल रही। एक आप जनता में रहते हैं, आप कहीं भी जाएं, कोई एक आदमी कह दे मैं इस सरकार से संतुष्ट हूँ। प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं जी, बिल्कुल। जो फैमिली आईडी गलत बनी हुई है, पहचान पत्र गलत बने हुए हैं, आयुष्मान कार्ड जिसकी जरूरत थी उसके काट दिए गए हैं, और बुढ़ापा पेंशन काट दी गई है, महंगाई चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा, और क्या चाहिए? मतलब आज वो काम हो रहा है कि राजा खुश और पंजाब आईडी के लिए जो फैमिली आईडी बनी है और पहचान पत्र, वो जो जो ये चीजें बनाई गई, सरकार चाहती है डिजिटल हो। डिजिटल क्या हो? डिजिटल तो करने वाले तो इंसान ही होते हैं ना, कंप्यूटर चलाता तो इंसान ही है, कंप्यूटर अपने आप तो कुछ करता नहीं है। जब उसमें जो फिलअप करनी है चीजें, उसको ठीक तरह से फिलअप ही नहीं की जाएंगी, तो जो भुगतना किसको पड़ेगा? वो लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। तो बिल्कुल आज ज्ञापन देने पहुंचे हैं, सरकार को चेतावनी देने पहुंचे हैं कि ये सरकार ये कुछ महीनों, ये जो साल की है, इसमें कुछ अच्छा बेहतर कर सकती है तो लोगों के लिए कर दे, वरना ये सरकार दोबारा आने वाली नहीं है। आईडी का जो मुद्दा है, इससे आम जन बहुत ज्यादा परेशान है। आम जन अपनी दो वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, दूसरी ओर अपनी इन विसंगतियों को दूर कराने के लिए आम आदमी अपना काम धंधा छोड़कर सरकारी विभागों के चक्कर काट रहा है। सरकार को इस विषय में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और एक तय सीमा निर्धारित करनी चाहिए कि ताकि इन विसंगतियों को दूर किया जा सके। हाँ जी, ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज जो है आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक प्रदर्शन के रूप में आई है ज्ञापन देने के लिए। आज जगह जगह पर तराई तराई मची हुई है, जो PPP परिवार पहचान पत्र बनाए हैं उनमें गड़बड़ी है, लोगों के राशन कट गए हैं, लोगों की पेंशनें कट गई हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से, ये सरकार जब से आई है, जब से इस सरकार में मजदूर कर्मचारी हर एक वर्ग दुखी है। क्यों दुखी है? कि यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। आज कर्मचारी तराई तराई कर रहे हैं, पहले कहते थे फौज के अंदर कोई भी निजीकरण नहीं होगा, आज फौज के अंदर भी निजीकरण, कौन वो लगा दिए वो 4 साल के लिए, क्या बोलते हैं उनको, आज पुलिस के अंदर भी निजीकरण, अग्निवीर पुलिस के अंदर भी निजीकरण, पुलिस के अंदर भी 18-18, 20-20 हज़ार रुपए पे लोग भर्ती कर दिए हैं। कहाँ गई ये सरकार? ये सरकार निजीकरण करना जानती है। आने वाले 2024 में लोग भी इसका निजीकरण करेंगे। क्या कहना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस खट्टर सरकार को और मोदी सरकार को कहना चाहता हूँ, क्या फटते हैं बम दमा दम, यहाँ पर चलती है गोली भी, रोजाना लुट जाती है यहाँ माँ बहनों की रोली भी, घर में बढ़कर मार रहे गुंडे बदमाशों की टोली भी, और फिर कहते हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे से बढ़िया कोई सरकार नहीं है। आज आप देख लीजिए अपने करनाल के अंदर क्या हो रहा है, रोजाना कहीं ना कहीं मर्डर, रोजाना कहीं ना कहीं सुस्ती, और ये सरकार कहती है भर्ती करेंगे के नाम पर के 2019 में शायद पुलिस का भर्ती हुई थी, लेकिन आज तक वो लोग सड़कों पे हैं, क्योंकि किसी की आईडी किसी की और भर्ती कोई और कर रखा है। इसलिए मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से इस सरकार को चेताना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी आप आते हो करनाल के अंदर लोहड़ी मनाने के लिए, लोहड़ी कहाँ मनाते हैं? जहाँ इनके वर्कर होते हैं। लोहड़ी तो आज मनाई जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा, यहाँ पर हर एक वर्कर खड़ा है, हर एक किसान खड़ा, हर एक मजदूर खड़ा है। किसान क्रेडिट कार्ड पे भी बहुत सारे आरोप लगे हैं, पूरे बैंक और कर्मचारियों ने, पशुधन विभाग ने मिलकर के कर्मचारियों का बात की है, काफी गांव का ये मामला सामने आया जाने के लिए, इसके बारे में यही कहना चाहते हैं इकट्ठे हुए हैं। हमारा जो मुद्दा है फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी,
भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं। हम इस कुंभकर्णी सरकार को जगाने के लिए सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सर, जब से सरकार आई है तब से आप जगाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक सरकार नहीं जागी, कब तक आप ये सरकार जागी? देखिए, 2019 में भी इस सरकार को हरियाणा की जनता ने नकार दिया था। ये तो अवसरवादी लोग हैं। 2019 में इन्होंने अपनी चिर विरोधी पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन किया। ये दोनों ही पार्टियां हरियाणा की जनता को, हरियाणा को लूट रही हैं। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये जनहित का कार्य ना कर अपने निजी स्वार्थ में लगे हुए हैं। आप देख लीजिए, जब 2019 में इनको बहुमत नहीं मिला तो 2024 में इनको बहुमत कैसे मिलेगा? 2019 के बाद तो इनका विरोध और बढ़ गया है। इनसे कोई भी वर्ग खुश नहीं है, चाहे वो किसान है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे व्यापारी है, कोई भी वर्ग आप एक वर्ग बता दो जो इस सरकार से खुश हो, और कोई ऐसा विभाग बता दो जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। सरकार चाहती क्या है? ये तो आप सरकार से पूछो, वो चाहती क्या है? सरकार तो दोनों हाथों से जनता को, हरियाणा को लूटने में लगी है। आज हरियाणा पर जो कर्ज है लगभग पिछले 8 वर्षों में 8 गुना बढ़ गया है। ना यहाँ पर शिक्षा है, ना यहाँ पर चिकित्सा है। पिछले दिनों चौटाला गाँव में एक साल में लगभग 400 नवजात शिशुओं ने प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। क्या ये सरकार सो रही है? आप ये देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष के बाद यदि कोई सरकार, यदि जो बेसिक जो सुविधाएं हैं यदि वो भी मुहैया नहीं करा सकती तो उस सरकार को शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। साहब, जीरो टॉलरेंट का वादा किया था सरकार ने, आप इतने सारे आरोप आप लोग दाग रहे हैं और जनता के सामने है, क्या कुछ करना चाहिए? सर, इनकी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन नहीं है, ये जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट होनेस्टी है। इस सरकार का अधिकारियों के साथ जो तय मापदंड है वो 90 और 10 के हैं। जो हरियाणा में जो इसमें जो भ्रष्टाचार है उसमें 90 और 10 की रेशो है। अधिकारियों को तो केवल 10% मिलता है और उसका 90% मुख्यमंत्री के कार्यालय तक पहुंचता है। 2015 में भर्ती हुई थी, 17 में जाके सिलेक्शन हुई थी, उसमें कुछ पुलिस कर्मचारियों के आईडी पर संदेह है, कोई गड़बड़ हुई है, उसके बारे में क्या कुछ करना चाहेंगे? जब इस बारे में सच समाचार की टीम एसएससी के चेयरमैन के वहां पे गई तो 2 घंटे तक जो एसएससी के चेयरमैन है वो नीचे नहीं उतरे। सर, इस सरकार की नीयत में खोट है। जो सबसे बड़ी बात है, इस सरकार की नीयत में खोट है। ये जो भाजपा सरकार है, भारतीय जुमला पार्टी, ये सिर्फ सत्ता सुख भोगने के लिए आज हरियाणा में शासन कर रही है। मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, हरियाणा की जनता ने 2019 में इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ये अवसरवादी लोग हैं, इन्होंने अपनी चिर विरोधी पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन किया और दोनों हाथों से जनता को लूट रहे हैं और दोनों पैरों से जनता को कुचल रहे हैं। जनता त्रस्त है और नेता मस्त हैं। जेजेपी पार्टी के जो जेपी सीएम है वो खुद अपने चौटाला को ही नहीं सुरक्षा दे सके, वहाँ के बच्चे मर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री की माता जी नैना चौटाला जी राज्यसभा में अपने क्षेत्र में शिक्षकों की मांग कर रही है। उनके क्षेत्र में 400 से ज्यादा नवजात शिशुओं की हत्या हो जाती है, सरकार नहीं जागती। इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि ये सरकार अपनी जनता की मूलभूत सुविधाओं को भी पूरा नहीं कर सकती तो इस सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता को लूट के अपना काम चलाया जाए, अब नियत कुछ नहीं है, नीति कुछ नहीं है, सिर्फ लूट है। और खट्टर साहब, आप सुधर जाओ, नहीं तो हमें सुधारना आता है। पहले भी मेरे को आप जेल में डाल चुके हो, हम तैयार हैं। अब जनता की आवाज़ में जेल के गए थे और दोबारा पूरी आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं सारे योद्धा हैं। पहले मैं अकेला था, अब मैं भी अकेला नहीं, मेरे सारे साथी मेरे साथ हैं। और ये मत सोचो कि हमारे कुछ कम संख्या में साथी जाते हैं वहाँ चौटाला गांव से, जो प्रदर्शन लेके आए हैं तो उनके साथ आप नहीं दिखाई दिए। मैं यहाँ पे नहीं था तो उस टाइम हमारे साथियों पे जो आपने अत्याचार करे है उन साथियों को भी अकेला मत समझो। अब आपसे हम पूरा बिल्कुल लोहा लेने के लिए तैयार है। जनता की हर आवाज़ उठाएंगे और हर कार्यकर्ता में, हमारे सारे कार्यक्रम में हमारे सारे कार्यकर्ता नहीं जा सकते क्योंकि कोई किसी को कोई काम होता है, किसी को कोई काम होता है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता को खट्टर साहब बिल्कुल अकेला ना समझे। हम एकजुट हैं और एकजुट होके हम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आज पहला दिन है प्रदर्शन का जो आम आदमी पार्टी ने अपने स्तर पर किया है काफ़ी समय के बाद।
ये प्रदर्शन होता रहेगा, क्योंकि हमारे पास जनता को जो इन्होंने लूट रखा है कम से कम 36 से 37 मुद्दे हैं। सही बात में तो इनका हर नीति ही हमारे लिए मुद्दा है, क्योंकि हर नीति ही इनकी जन विरोधी है और इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लड़ेंगे और जनता एक एक जनता हमारे साथ जुड़ेगी और ये आंदोलन बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेगा। ये याद रखना, आपको जनता से दुश्मनी लेना बहुत महंगा पड़ेगा खट्टर साहब। जब जनता सड़कों पे होती है तब तो आप दिखाई नहीं देते उनके साथ। हाँ जी, जब जनता सड़कों पे होती है तब तो दिखाई नहीं देते। ऐसे है जी, जनता सड़कों पे होती है तो हम भी तो सड़कों पे बैठे हैं। बलविंदर सिंह पार्षद एक इकलौता आम आदमी पार्टी का पार्षद है जो जिसको लोग प्यार करते हैं, जो हर आवाज उठाता है, तभी तो लोगों ने सरकार के खिलाफ ये पार्षद बनाया है। ऐसे जी, 6 महीने में काफी समय से हम जो है सारे काम हम अपने वार्ड में निपटा चुके हैं। दूसरी बात यह है कि मेरे वार्ड में जो 10% काम रहते हैं वो सरकार की नीतियों के कारण रहते हैं, क्योंकि सरकार ने कॉलोनियों को अप्रूवर नहीं कराया। किसी पार्षद के पास कोई पावर नहीं है कि वह कॉलोनियों को अप्रूवर कर सके। 11-10 साल से पार्षद हूँ और आज भी लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, और ये 10 साल से MLA हैं, इनको लोग कैसे नफरत करते हैं आप सबके सामने है। अगर एक पार्षद ने 9.5 साल जनता के बीच में लगाए हैं, अगर 6 महीने अब किसी सरकार से लड़ाई हम अकेला नहीं लड़ सकता था, कोई पार्टी ज्वाइन करी है तो हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है, पार्टी के भी काम होते हैं, जनता हमारे साथ है और आज भी सर्वे में बलविंदर सिंह नंबर 1 है, नंबर 1 ही रहेगा, क्योंकि जनता की आवाज उठाते हैं। बलविंदर सिंह के अलावा और कोई पार्षद जनता के लिए जेल में गया तो बताओ? बलविंदर सिंह के अलावा किसी ने भी वाल्मीकि गरीब बस्ती के सामने कोई पार्षद अड़ा है तो बताओ? कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, बलविंदर सिंह को सारा शहर जानता है और ऐसे ही जानता रहेगा जब तक हमारी नियत और नीति बिल्कुल क्लियर है। कोई ऐसा विभाग नहीं है किया जाए। अगर सपोज करो किसी को वहम हो कि ये ज्ञापन देंगे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हम सड़कों पे बैठेंगे और सरकार को हम दिखा देंगे कि जनता क्या होती है, क्योंकि अभी तक सरकार के मुखिया को ये पता नहीं है कि जनता क्या है, क्योंकि वो ऊपर से टपक के आए और लहरबाजी में बन गए। तो हम निवेदन करते हैं आप अधिकारियों उनकी रीढ़ की हड्डियों उनको समझाएं कि पहले पार्षदों और सरपंचों के ऊपर अत्याचार करते थे और विपक्ष के ऊपर अत्याचार करते थे, अब इनका इतना हौसला बढ़ गया है, अब ये डायरेक्ट जनता पे अटैक कर रहे हैं और हम जनता के साथ खड़े हैं, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर अधिकारी अपनी समझदारी दिखाएंगे तो ये बड़ा विनाश होने से बच सकता है। जब सारी जनता सड़कों पे आ जाती है ना तो उस स्टेट में विनाश ही होता है, उस देश में विकास नहीं होता है। ठीक को लेकर कुछ त्रुटियों के लिए कैंप लगाने की बात की गई है, सरकार को ये बात पहुँचाई जाएगी और इसको संज्ञान में लाया जाएगा और जितने भी जो चाह रहे हैं कहीं कहीं त्रुटियां हैं या किसी के नहीं बने हैं उसमें शीघ्र रिएक्शन लेके इसको तुरंत कार्रवाई की जाए। अब तक का आश्वासन दे रहे हैं आप जनता को? ये बहुत बार मुद्दे उठ चुके हैं लेकिन अभी तक कोई अमलीजामा नहीं। इसमें जल्दी कोशिश की जाएगी कि मुख्यमंत्री महोदय को इसको संज्ञान में लाया जाएगा मामले को और तुरंत कार्रवाई के लिए आग्रह किया जाएगा। अपडेट करने के लिए दोबारा से चार्जिंग ली जाएगी लोगों से, लाभार्थियों से अपडेट करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए? इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है, अगर उसके अंदर कोई खर्चा दिखेगा तो हो सकता है, अदरवाइज अभी ऐसी कोई इस तरीके का कोई मतलब मैं इस बारे में नहीं कह पाऊँ। निःशुल्क किया जाए ये आम आदमी पार्टी के लिए? हाँ, अगर ये है कि भाई अगर जैसे ज्ञापन में है, अगर आप लोग चाहते हो कि इसको निःशुल्क किया जाए तो जरूर ये संज्ञान में लिया जाएगा। थैंक यू।